मैं तो यूं ही मरा रहा था दोस्त, मेरा दोस्त मेरी सेटिंग के ज्यादा करीब निकला और ये ट्रिगर्ड इंसान साला सबसे बड़ा गरीब निकला। दोस्तों ऐसी न्यूज दूंगा जिसके बाद में तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे कि भाई एक बार ये झूलता आता ना कनपट्टी पे मार दू ट्रिगर्ड इंसान के। क्या चिंदी गरी करी है भाई। और आंटी जी डिंपल आंटी जी, आप आंटी जी हैं, मां समाना आपके लिए कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक तो अंदर का लेस कराए और बाहर आके जो आप ये ड्रामे कर रहे हैं पसंद नहीं आ रहे भगवान कसम। ये किचन डिंपल का दोबारा से स्टार्ट करो, बनाओ खाना वाना, इंजॉय करो, ये बाहर रैलियों में का हिस्सा बनो मत। बाकी जितने लोग थे मैं इसको तो रैली कहूँगा भी नहीं, इससे ज़्यादा तो मोहल्ले में जैसे भी की खुदाई हो जाती है तो वो लोग देखने आ जाते हैं। बाकी ट्रिगर्ड इंसान ने एक बहुत घटिया हरकत की, आई डोंट नो ये ट्रिगर्ड इंसान का फैसला था कि उनकी क्रिएटिव टीम का, बाकी टीम ही होगी क्रिएटिव तो वो नहीं है, पता चला मेरे को उनकी हरकत देख के। भाई 45 रुपये लिए फैंस से, अंदर आना चाहती हूँ मीटअप का हिस्सा बनना चाहती हूँ तो 45 रुपये, और अंदर ट्रिगर्ड इंसान ने स्टॉल्स लगा रखी थी वहाँ पे, मतलब कि उनकी टीम ने पानी की खाने की जूस की। ये कोई बात हो गई भाई, ये कौन सा फैन मीटअप ऐसा होता जहाँ साला पैसा कमा रहा है आदमी। गलत बात भाई, एलविश यादव की फैन मीटअप में सब कुछ फ्री था, ऊपर से काउंटर्स थे, पानी की छोटी बोतलें आती ना चाहे वो भाई वो 10 रुपये की थी, बिल्कुल थी फ्री दी जा रही थी। लोगों को सफोकेशन से बचाने के लिए पंखे वंखे लगा रखे थे भाई, वो तो पुलिस ने आके ना मीटअप रुका दिया, सारा काम जोरदार कर रखा था भाई, घटिया हरकत थी। आपका क्या मानना है बता दो कमेंट करके, मैं मिलता हूं जल्द, तब तक अलविदा।